Xiaomi चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि MIUI 13 काफी ऑप्टिमाइज है, काफी ज्यादा हमने काम करा है और यहाँ पर Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max के लिए इंडिया में स्टेबल अपडेट आ चुका है MIUI 13.0.1.0 का। और यहाँ पर मैं 4-5 दिन यूज करने के बाद इसका आपको रिव्यू देने वाला हूँ, क्या क्या इसमें परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया है और कौन कौन से नए फीचर्स आए हैं, देखते हैं। तो देखो MIUI 13 का जो अपडेट आया है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको Android 12 देखने को मिलता है। तो आप इसको OTA अपडेट करेंगे या फिर इसकी फुल रिकवरी रोम से इंस्टॉल करेंगे तो आपको पूरा ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। लगभग 3 GB का ही अपडेट है तो सभी को उतना बड़ा अपडेट मिलेगा। और इसमें Android 12 है तो Android 12 वाले भी कुछ फीचर्स मिलते हैं जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और साथ में आपको यहाँ पर फैब का सिक्योरिटी पैच लेवल मिलता है। और इसमें यार वॉलपेपर्स भी आपको MIUI 13 के मिल जाएंगे जो कि प्री इंस्टॉल्ड वॉलपेपर्स हैं, वॉलपेपर्स में जाएंगे तो आपको MIUI 13 वाले कुछ वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। और बाकी यहाँ पर आपको वॉलपेपर के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर भी MIUI 13 का सेक्शन मिलता है, वो अपडेट के पहले ही देखने को मिलने लगा था। लाइव वॉलपेपर्स यहाँ पर आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आते हैं। एक तो ये है क्रिस्टलाइजेशन वाला और एक और है ये दूसरी कैटेगरी का, ये कुछ इस तरह के यहाँ पर ग्राफिक्स है, एनिमेटेड आप वॉलपेपर्स भी लगा सकते हो MIUI 13 के। और इसका ऐप वॉल्ट जो है वो भी अपडेट हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे विजिट्स जो है MIUI 13 वाले मिलता है जो कि आप यहाँ पर लगा सकते हो, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और विजुअली यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस मिलते हैं, यहाँ पर प्लस के आइकन पर जाएंगे तो यहाँ पर और भी आप विजिट्स ऐड कर सकते हो जो भी आपको लगाना है। और ये कुछ इस तरह के विजिट्स मिलता है, हो सकता है फ्यूचर में इसमें और भी ऐड हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कुछ लगा रखा है इस तरह के और इनको मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, साइज चेंज कर सकता हूँ और इसमें एडिट का बटन है अगर किसी विजिट में एडिट का ऑप्शन है तो। और यहाँ पर अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं या फिर पार्शियल लेते हैं या फिर फुल स्क्रीनशॉट लेते हैं तो यहाँ पर जैसे मैं कोई स्क्रीनशॉट लेकर दिखाता हूँ तो यहाँ पर अब एडिट का जो ऑप्शन है वो चेंज हो चुका है, नया वाला आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर अगर मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह के माइनर से चेंजेस मिलते हैं। यहाँ पर ये ड्रॉ के ऑप्शन है, यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से हाईलाइट का है, और ये इसको ब्लर करने का ऑप्शन है, यहाँ पर ये कुछ लिखने का ऑप्शन है, ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, और यहाँ पर इस तरह से कुछ सर्कल वगैरह सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ से मैं सर्कल सेलेक्ट कर सकता हूँ, लाइन, रेक्टेंगल वगैरह, और यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। ऊपर शेयर का बटन है और डिलीट का बटन है। तो इस तरह से स्क्रीनशॉट का जो UI था वो भी थोड़ा सा चेंज मिलता है। और यहाँ पर गैलरी जो है ना उसमें काफ़ी सारे चेंजेस करे गए हैं, जैसे मैं खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे नीचे आप देखेंगे दो ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल मिलेगा और कैमरा मिलेगा। बाय डिफॉल्ट पहले आपके कैमरे पर सेट रहता था, मतलब ये जो फोटोज़ वाला सेक्शन है ऊपर, तो यहाँ पर जैसे आप आते थे तो यहाँ पर आपके सिर्फ कैमरे के फोटोज़ दिखाता था, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप ऑल पर सेट कर देंगे तो यहाँ पर सारे फोटोज़ दिखाएगा, व्हाट्सएप के या फिर कोई से भी फोल्डर में पड़े हो स्क्रीनशॉट वगैरह, सारे फोटोज़ यहाँ पर फोटो सेक्शन में दिखाएगा। मैंने यहाँ पर ऑल पर टैप करा तो यहाँ पर चेक कर सकते हो सारे फोटोज़ यहाँ पर दिखाने लगा। और यहाँ मैं अगर एल्बम वाले सेक्शन में जाता हूँ तो सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ नए ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हो इनको मीडिया टाइप के हिसाब से आप यहाँ पर फोटोज़ और वीडियोस आपकी अरेंज हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर पोर्ट्रेट जो भी है वो सारे यहाँ पर दिखेगा, सेल्फीज़ को एक साथ देख सकते हो, स्लो मोशन जितने भी फ़ोन में पड़े हैं वो एक साथ दिखेंगे, डॉक्यूमेंट्स को एक साथ देख सकते हो, व्लॉग्स व्लॉग मोड में जो आपने वीडियोस वगैरह बनाई वो यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर 3 सेक्शन और मिलते हैं, क्लीनर का, ट्रैश का और ट्रैश बीन का। और यहाँ अगर आप किसी फोटो को एडिट करेंगे तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ चुका है इरेज में, अगर आप इरेज में जाओगे तो रिमूव पीपल का ऑप्शन आ चुका है, तो ये डिटेक्ट कर लेगा इस फोटो में कितने लोग हैं और किसी एक इंसान को हटाना है उसको आप यहाँ पर डायरेक्टली हटा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इसको कट करता हूँ तो ये डायरेक्टली यहाँ से हट चुका है, तो ये काफ़ी यूजफुल फीचर है जो कि इसमें आ चुका है। और यहाँ पर एक आपको प्रोटेक्टिव का भी ऑप्शन मिल चुका है, यहाँ पर अगर आप ऑप्शन और अब यहाँ पर आपको प्रोटेक्टिव वाटरमार्क का भी ऑप्शन मिल चुका है, अगर आपका कोई कॉन्फिडेंशियल फोटो है जो कि आप चाहते हो कहीं पर लीक ना हो, और अगर कहीं पर जाता भी है तो वहाँ पर सब कुछ वाटरमार्क वगैरह दिख जाए, तो यहाँ पर किसी भी फोटो पर जाओ और यहाँ पर आपको दिखेगा प्रोटेक्टिव वाटरमार्क, और यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ और इसको डन करता हूँ तो यहाँ पर ये ऊपर से मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और ये यहाँ पर वाटरमार्क अप्लाई हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर छोटा छोटा लिखा आ रहा है, जो भी हमने लिखा था वो इस तरह से वाटरमार्क जगह जगह पर आ जाएगा, तो कॉन्फिडेंशियल फोटो वगैरह पर आप इसको लगा सकते हो। और इसी तरह ये फीचर आपको इसके कैमरे में भी मिल जाता है, कैमरे में अगर आप डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट स्कैन जब करते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ऊपर एक और प्रोटेक्टिव का मार्क दिखेगा, यहाँ पर आप अपना वाटरमार्क लगा सकते हो जो भी आप यहाँ पर टेक्स्ट डालना चाहते हो। एंटर टेक्स्ट पर मैं टैप कर रहा हूँ, खुल नहीं रहा, तो दो बार टैप करने के बाद यहाँ पर हमारा खुला है, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट डाल दिया। अब मैं यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको स्कैन करा और मैंने इसकी पिक्चर क्लिक कर ली,
तो ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाएगा और साथ में इसके साथ एक वाटरमार्क भी आ जाएगा ताकि ये कॉन्फिडेंशियल रहे या फिर जो भी आपका पर्पस है वाटरमार्क लगाने का वो यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैंने के वर्ड लिखा था तो इस तरह का यहाँ पर वाटरमार्क आ चुका है। सेटिंग में भी कुछ इस तरह के माइनर से चेंजेस मिलते हैं, जैसे अबाउट फोन में मैं जाता हूँ और यहाँ पर ऑल स्पेक्स पर जाता हूँ तो यहाँ पर 6+2 GB दिखा रहा, मतलब हमारी रैम एक्सटेंशन जो है वो ऑन है और 2 GB जो है वो हमारे इंटरनल स्टोरेज से कंज्यूम कर रहा है और एज अ वर्चुअल रैम यहाँ पर इसको यूज़ करके दिखा रहा है। यहाँ पर एक ऑप्शन और ऐड करा गया सेफ्टी एंड इमरजेंसी, यहाँ पर आप इमरजेंसी की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, इमरजेंसी SOS की डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हो, ये आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर अगर जाऊँगा स्पेशल फीचर में तो यहाँ पर साइड बार का ऑप्शन आपको ऑफिशियली मिल जाता है, यहाँ पर इसको ऑन कर देंगे तो ये हमेशा आपका साइड बार ऑन रहेगा, यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में चला सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम चलाकर दिखाता हूँ तो ये यहाँ पर इस तरह से खुल जाएगा और यहाँ पर मैं टैब खोलता हूँ और ये बाकी आपका फ्लोटिंग विंडो जैसे नॉर्मली आपका वर्क करता है वैसा करेगा, लेकिन इस बार आप देखेंगे शेडो जो है वो यहाँ पर दिखेगी तो ये काफ़ी सही चीज़ लगी है। यहाँ पर ये वाइट बैकग्राउंड पर वाइट जो है वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो पाएगा क्योंकि शेडो आ रही है और दिखने में काफ़ी सही लग रहा है। और बाकी यहाँ पर वीडियो टूल बॉक्स और जो गेमिंग का था वो सब कुछ आप यहाँ पर ऐप सेलेक्ट कर सकते हो, किस पर आपको गेम टर्बो लगाना है और किस पर आपको वीडियो टूल बॉक्स लगाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियो टूल बॉक्स लगा रखा है, इसको सेलेक्ट कर रखा है तो ये यहाँ पर यूट्यूब पर उसी हिसाब से साइड बार खुलेगा। तो मैं यहाँ पर खोल के दिखाता हूँ तो यहाँ पर साइड बार के साथ साथ यहाँ पर वीडियो टूल बॉक्स भी खुलता है। और यहाँ पर इसके नेविगेशन बार अगर आपने हाइड नहीं कर रखे, इस तरह से फुल स्क्रीन जेस्चर्स आपने ऑन कर रखे हैं तो यहाँ पर आपको वन हैंडेड मोड मिलता है, अगर आप इसको नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो ये वन हैंडेड मोड खुल जाएगा और एक हाथ से आप अपनी स्क्रीन को यूज़ कर सकते हो, दूसरा हाथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वापस से इसको बड़ा करना यहाँ पर टैप कर सकते हो या फिर इसको ऊपर स्लाइड कर सकते हो। बाकी इसके लॉन्चर में भी माइनर से चेंजेस है, जैसे आप इस तरह से इसको पिंच इन करेंगे यहाँ पर आपको ये आइकन्स थोड़े डिफरेंट मिलेंगे, MIUI 13 वाले दिखते हैं लेकिन जैसे विजिट्स है तो विजिट्स हमें नए वाले नहीं मिलते, लेकिन बाहर जो लॉन्चर है उसमें आइकन जो है वो नया वाला मिलता है। और इस तरह कुछ एप्लीकेशन को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर इस तरह से ग्रुप करने का ऑप्शन मिलता है अनइंस्टॉल और इसको बस कुछ नहीं करने का मिलता है। अब देखो मैंने बताया इसमें एंड्रॉयड 12 मिलता है तो एंड्रॉयड 12 का खास फीचर था मटेरियल यू डिज़ाइन, तो मटेरियल यू डिज़ाइन यहाँ पर आपको जगह जगह भर के मिलता है, मतलब जो भी स्टॉक यहाँ पर एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है गूगल की एप्लीकेशन है वहाँ पर जो थीम है वो उस तरह की हो जाएगी, उस कलर की हो जाएगी जिस कलर का आपको वॉलपेपर होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर प्ले स्टोर खोल के दिखाता हूँ तो प्ले स्टोर मारा थोड़ा येलो सा लग रहा है जो कि मुझे बिल्कुल मटेरियल यू डिज़ाइन बिल्कुल पसंद नहीं आता है। यहाँ पर देखेंगे सब कुछ येलो हो चुका है, नीचे भी ये येलो गोल्डन टाइप का हो चुका है क्योंकि मेरा वॉलपेपर इस तरह का था। क्रोम ब्राउज़र खोल के दिखाता हूँ, क्रोम ब्राउज़र भी हमारा येलो सा दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको शायद कैमरे में इतना विजिबल ना हो लेकिन ये थोड़ा येलो सा कलर का हो चुका है और सब कुछ येलो येलो, भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, मटेरियल यू डिज़ाइन क्यों बनाया यार। और यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल देखें वो भी चेंज हो चुका है और यहाँ पर इसके जो आइकन्स आते हैं ना, जैसे ये मेरा YouTube स्टूडियो का आइकन है, ये देखो ट्विटर का आइकन है, अभी तो आइकन्स कम है, काफ़ी कम नोटिफिकेशन, जब काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया, सब राउंड और कलर भी चेंज आइकन भी चेंज। अरे जो हमारा लॉन्चर में आइकन है उस आइकन को दिखाना है यार, काफ़ी डिस्टर्बिंग सा काफ़ी अजीब से यहाँ पर आइकन दिखते हैं। और देखो ये जो परमिशन लेने का यहाँ पर UI होता है ये भी थोड़ा चेंज हो चुका है क्योंकि एंड्रॉयड 12 है, वैसे ही आपको थोड़ा इसका UI मिलता है, यहाँ पर भी मटेरियल यू घुसा रखा है, यहाँ पर येलो लग रहा है जैसे मेरा नाइट मोड ऑन हो, तो यार ये कुछ इस तरह का रीडिंग मोड जैसा लग रहा है जैसे ऑन हो इस तरह का लग रहा है। और यहाँ पर एक नया फीचर भी आ चुका है, ये एंड्रॉयड 12 का फीचर था कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन भेजनी है या फिर अप्रॉक्सीमेट लोकेशन यहाँ पर देनी है इस एप्लीकेशन को, तो ये सेलेक्ट करके भी आप इसको दे सकते हो परमिशन। अब देखो एंड्रॉयड 12 आने के बाद ना यहाँ पर जैसे हम इन्फिनिटी स्क्रोल इसको नीचे स्क्रोल करते हैं ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर स्ट्रेच सा आपको दिखेगा, स्ट्रेच हो रहा है जैसे खिंच रहा हो रबड़ की तरह, तो ये कुछ माइनर से चेंजेस है, ये यहाँ पर सभी जगह पर होता है जो कि MIUI की एप्लीकेशन वहाँ पर भी होता है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। जैसे मैं यहाँ पर यूट्यूब पर स्वाइप करता हूँ तो ये यहाँ पर इसमें इलास्टिक इफेक्ट सा मुझे दिख रहा है, तो इस तरह से ये स्वाइप में थोड़ा डिफरेंस मिलता है। और यहाँ पर स्पार्कल टच जो था एंड्रॉयड 12 में वो भी यहाँ पर दिख रहा था लेकिन अब पता नहीं, मैं वीडियो बना रहा हूँ अब वो यहाँ से गायब हो चुका है, अब शायद Xiaomi ने वो हटा दिया है या फिर वहम तो नहीं था यार, मैंने कन्फर्म है मैंने देखा था वो स्पार्कल इफेक्ट था, मैंने एंड्रॉयड 12 की वीडियो जो डाली थी उसमें मैंने वो चीज़ दिखाई थी। और एंड्रॉयड 12 का एक और काम का फीचर था वो ये था, अगर कोई एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो वो कैमरा या फिर माइक्रोफोन की परमिशन ले रहा है बैकग्राउंड में यूज़ कर रहा है तो यहाँ पर आपको ऊपर आइकन दिखा देता है, जैसे मैंने कैमरा खोल रखा है यहाँ पर ग्रीन आइकन दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको टैप करता हूँ
और ये मैं टैप करता हूँ, ऐसा नहीं ऊपर से नीचे ड्रैग करूँगा, फिर यहाँ पे इसको टैप करूँगा तो ये दिखाएगा कि एप्लीकेशन हमारी कैमरा यूज़ कर रही है। तो यहाँ पर मैं जाकर ऐप परमिशन में जाकर इसकी और डिटेल चेक कर सकता हूँ। और बाकी इसमें चार्जिंग एनिमेशन जो है वो भी चेंज कर दिया है, ये हमें पोको में मिलती थी और ये इन्होंने MIUI 13 में चिपका दिया कुछ इस तरह की। यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन आपको न्यू मिलती है। बाकी इसकी बूट एनिमेशन जो है वो भी चेंज कर दिया है, मैं यहाँ पर आपको रिबूट करके दिखा देता हूँ एक बार। तो अब इस तरह का सिंपल सा Xiaomi का लोगो मिलता है, पहले MIUI का आइकन आता था लेकिन अब वो यहाँ से जा चुका है। सिंपली ये इस तरह का प्लेन टेक्स्ट या फिर लोगो बोल सकते हो, लोगो इस तरह का दिखता रहेगा। और इसका फास्ट बूट का जो UI था वो भी थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। और एक चीज़ समझ में नहीं आ रही यार, यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन आ रही है वो उसमें मेरा फ़ोन वाइब्रेट हो रहा और अपडेट करने के बाद ही। मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाकर चेक करा, कोई मेरी वाइब्रेशन ऑन तो नहीं है, हुई है ऑटोमेटिकली, सब कुछ चेक कर लिया, ऑफ करके ऑन कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, वाइब्रेट हो रहा है मेरा फ़ोन नोटिफिकेशन आने पर। अब कैसे सही हो कुछ नहीं पता चल रहा है, अभी मैं देखूंगा, शायद बग है, आने वाले अपडेट में शायद फिक्स हो जाए या फिर कुछ और ही मसला है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। लेकिन 3-4 दिन से अभी तक तो मुझे इसका कुछ फिक्स नहीं मिला है। और एक चीज़ और चेंज मिलती है यहाँ पर, अगर आप फ़ोन को म्यूट रखते हो और जब इसको अनम्यूट करते हो तो यहाँ पर डिफरेंट साउंड मिलती है, सुनना एक बार। रुको यार, DND ऑन था इसलिए आपको साउंड सुनाई नहीं दी। देखा ना, इस तरह के साउंड मिलती है, पहले जो थी वो अलग साउंड थी लेकिन इस बार ये साउंड चेंज हो चुकी है। और यहाँ पर ब्लर जो है वो भी थोड़ा डिफरेंस मिलता है। यहाँ पर मैं होम स्क्रीन पर दिखाता हूँ, अगर मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर देखो ब्लर जो है कुछ इस तरह का मिलता है। अगर आप भाई पुराने MIUI यूज़ करते हुए आ रहे हो, Xiaomi के पुराने फ़ोन यूज़ करते आ रहे हो, तो आपको पता होगा इस तरह का Redmi Note 7 Pro में ब्लर मिलता था और पोको M2 Pro में मिलता था, जो भी मैंने डिवाइस यूज़ करे मैं उनका बता रहा हूँ। Redmi Note 8 Pro में नहीं मिलता था इस तरह का, और इससे अपडेट से पहले भी यहाँ पर अलग सा ब्लर मिलता था, वो पहले ब्लर करता था फिर उसको फेड करता था। शायद आप समझ रहे होंगे या फिर नहीं समझ रहे, मुझे नहीं पता चल रहा, लेकिन यहाँ पर रियल टाइम पर ही थोड़ा थोड़ा सा ब्लर की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो ये एक माइनर सा चेंज मिला है जो कि कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ को नहीं आया होगा। अब देखो कुछ बग और मिसिंग फीचर्स के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर भाई Xiaomi ने वादा करा था कि 12.5 में आप सिस्टम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर पाओगे। 12.5 आकर चला गया, 12.5 एनहांस्ड एडिशन आया वो भी आकर चला गया, MIUI 13 भी आ चुका है और अभी भी हमें अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं मिलता सिस्टम एप्लीकेशन को, यहाँ पर सिर्फ रिमूव का बटन मिलता है। तो भाई झूठे कसम में झूठे वादे कर रहे थे, Xiaomi बेवफा निकला और ये फीचर अभी तक नहीं दिया। और MIUI 13 में विजिट्स जो थे नए वाले वो भी नहीं दिए गए। फिलहाल वैसा आप एक्टिविटी लॉन्चर से जुगाड़ करके लगा सकते हो, लेकिन ऑफिशियली आपको यहाँ पर सही तरीके से ये चीज़ नहीं मिलती है। कंट्रोल सेंटर जो है वो भी पुराना मिलता है, नया वाला अभी नहीं आया है। आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इंस्टॉल करके इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब थर्ड पार्टी तो नहीं है, एक्सट्रैक्ट करी हुई एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करके लगा सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको नहीं मिलता है। पावर मेन्यू वो भी आपको पुराना मिलता है। और यहाँ पर एक चीज़ और आ रही थी प्रॉब्लम लोगों को कि इस अपडेट के बाद लोगों के फ़ोन ही ब्रेक हो गए, फ़ोन ख़त्म हो गए, वो उठ नहीं रहा था, डेड हो चुका था। कुछ लोगों के कैमरे जो है वो डेड हो चुका था। तो भाई अपने रिस्क पर आप अपडेट करना, और बाकी यार मैं कुछ नहीं बोल सकता। और बाकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं एंटीट्यू स्कोर दिखाता हूँ तो इस तरह का है। इससे पहले मैंने एंटीट्यू स्कोर निकाला था तो मेरा 2,50,000 के करीबन आ रहा था, फिर मैंने निकाला 2,90,000 आ रहा था, फिर मैंने तीसरी बार निकाला तो 2,79,000 के करीबन एंटीट्यू स्कोर आ रहा था। तो इस तरह से फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो एंटीट्यू स्कोर के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, है तो वैसे कम, लेकिन 3-4 बार मैं टेस्ट करूँगा, कभी कम आएगा कभी ज़्यादा आएगा, तो उसके बारे में बात करना ठीक नहीं है। और CPU थ्रॉटलिंग दिखाऊं तो वो भी कुछ इस तरह का है, इतना बेकार सा आया, इतना कुछ अच्छा मुझे यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिला, एवरेज सा मुझे रिजल्ट मिला है। और यहाँ पर इसके रैम मैनेजमेंट के बारे में बात करूँ, स्मूथनेस के बारे में बात करूँ, किस तरह की परफॉर्मेंस हो गई है, तो मेरा रिव्यू ये है कि MIUI 13 के बाद कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगा इसमें, कुछ भी मुझे डिफरेंस नहीं मिला स्मूथनेस से रिलेटेड। और ये लास्ट के 1-2 अपडेट के बाद से जो है इसकी रैम मैनेजमेंट बहुत ही ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर रैम मैनेजमेंट के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, इसमें आपको रैम एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद भी ये काफ़ी बेकार रैम मैनेजमेंट कर रहा है। और आई थिंक जब से इसमें रैम एक्सटेंशन का ऑप्शन आया उसके बाद रैम मैनेजमेंट और ख़राब हो चुका है। यहाँ पर अगर मैंने 2 एप्लीकेशन भी खोल रखी है ना बैकग्राउंड में, और WhatsApp खोल रखा है, YouTube से मैं वापस से WhatsApp पर जाता हूँ या फिर WhatsApp से वापस YouTube पर जाता हूँ, लास्ट 2 एप्लीकेशन के बीच में भी स्विच करता हूँ तो भी काफ़ी बार मेरी एप्लीकेशन रिलोड होती है। तो इस तरह से इसकी रैम मैनेजमेंट है, MIUI 13 में स्टिल वैसी ही रैम मैनेजमेंट मिल रही है, स्मूथनेस वैसी है। यहाँ पर जो इसका 120 हर्ट्ज़ है वो अभी भी कभी कभी बीच में लैग कर जाता है, किसी किसी एप्लीकेशन में वो सही से काम नहीं करता है,
बीच बीच में उसमें ब्रेक्स आते हैं, यहाँ पर उसमें बीच में शटर्स देखने को मिलते हैं, मतलब स्मूथनेस के मामले में अभी भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि MIUI 13 में जैसा दिखा रहे थे कि इस तरह से परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, और वो सब मुझे यहाँ पर नहीं दिखा है और मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया परफॉर्मेंस में। बाकी इसकी मैंने डाउनलोडिंग लिंक अपने टेलीग्राम ग्रुप पर पहले दे दी थी, वहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली डाउनलोड करके भी इंस्टॉल कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। फिलहाल आपको कौन सा फीचर इसमें मस्त लगा नीचे कमेंट करके बता देना, और अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप बताना आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस अपडेट के साथ। फिलहाल चैनल सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आगे वाले अपडेट की वीडियो तभी तो देख पाओगे।